हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अरेज के कुछ कॉन्सेप्ट्स, और हम लोग इन कॉन्सेप्ट्स को डायरेक्टली प्लेटफॉर्म्स पे ही इंप्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा प्रॉब्लम है जिसमें ईशान लव्स चॉकलेट का एक सिनेरियो है। जस्ट रीड आउट दिस सिनेरियो एंड लेट अस सी कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। इसमें ये कहा जा रहा है कि एज यू नो दैट ईशान हैज़ अ लव ऑफ चॉकलेट्स। ही हैज़ ब्रॉट अ ह्यूज चॉकलेट बार दैट कंटेन्स एन चॉकलेट स्क्वायर्स। ईच ऑफ द स्क्वायर हैज़ अ टेस्टीनेस लेवल विच इज डिनोटेड बाई एन अरे ए। ईशान कैन ईट द फर्स्ट और द लास्ट स्क्वायर ऑफ द चॉकलेट एट वंस। ईशान हैज अ सिस्टर हु लव्स चॉकलेट टू एंड शी डिमांड्स द लास्ट चॉकलेट स्क्वायर। नाउ ईशान बींग ग्रीडी ईट्स द मोर टेस्टी स्क्वायर्स फर्स्ट। डिटरमाइन द टेस्टीनेस लेवल ऑफ द स्क्वायर विच हिज सिस्टर गेट्स। सो यहाँ पे एक इनपुट दिया हुआ है 5319। सबसे पहले हम लोग काम करते हैं कि इसी इनपुट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। सो 5, 3, 1, 6 और 9, ये चॉकलेट बार का टेस्टीनेस लेवल है। ये वन डायमेंशनल एरे की तरह से शो किया गया है। जो ईशान है वो केवल कॉर्नर्स के ही बार्स को खा सकता है एक बार में, लेकिन वो ग्रीडी है और ये कॉर्नर में जो सबसे टेस्टी वाला लेवल होता है या टेस्टी वाला बार होगा उसको खा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें वो 9 वाला बार और 5 वाले में अगर उसको चॉइस मेक करनी है तो वो 9 वाला ईट कर जाएगा। फिर उसको अगर ये डिसाइड करना है कि कॉर्नर वाला 5 या 6 में से कौन से बार को उसको ईट करना है तो वो 6 वाला खा जाएगा। सिमिलरली 5 और 1 में उसको 5 वाला वो खा जाएगा। देन उसके पास कॉर्नर में 3 और 1 वाला बचा है तो वो 3 वाला खा जाएगा और 1 वाला बचेगा। ये 1 वाला जो बार बचा हुआ है वही उसके सिस्टर को मिलेगा। तो अगर आप इस प्रॉब्लम के सिनेरियो को जरा रीड आउट करें तो यहाँ से ऐसा दिख रहा है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट है हमारे पास, अगर आप इसको एरे को लेके आए तो जो स्मॉलेस्ट वन है वही इसके सिस्टर को मिल रहा है, क्योंकि टेस्टी वाला तो वो खा जा रहा है ईशान। तो निश्चित रूप से लास्ट में जो बचेगा वो मिनिमम या स्मॉलेस्ट वाला ही जो एरे में एलिमेंट है वो बचेगा, या ऐसा चॉकलेट बचेगा जिसका टेस्टीनेस लेवल लीस्ट होगा। तो अगर मुझे एक एरे गिवन है और इस एरे के बेसिस पे ही मुझे कोडिंग करनी है तो मैंने यहाँ पे कोड लिख के रखा है, वैसे आप इसको दोबारा से भी लिख सकते हैं। लेट्स राइट इट अगेन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक वेक्टर गिवन है, वेक्टर का नाम ARR है जिसकी साइज n है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि इसमें से मिनिमम हमें फाइंड करना है। तो मिनिमम को फाइंड करने के लिए हम एक मिनिमम वेरिएबल ले लेते हैं और मिनिमम वेरिएबल को इनिशलाइज कर लेते हैं एरे का 0th एलिमेंट। इसके बाद एक लूप हम लगाते हैं और लूप को 1 से रन कराते हैं, और इसको हम रन करा रहे हैं लास्ट इंडेक्स तक। लास्ट इंडेक्स इसका n-1 होगा, तो लेस देन n तक अगर आप चलाएंगे तो ये वर्क करेगा। इसके लिए आप चेक कर लीजिए कि क्या एरे का जो करेंट एलिमेंट है अगर वो छोटा है मिनिमम से तो आप मिनिमम को चेंज कर दीजिए, मिनिमम विल बी एरे ऑफ i नाउ। और जब ये लूप फिनिश हो जाए देन उसके बाद आपके पास मिनिमम वाला एलिमेंट होगा, उस मिनिमम वाले एलिमेंट को आप रिटर्न कर दीजिए। सो रिटर्न मिन, इसको हम लोग रन करके देखते हैं। कंपाइलेशन एरर है, ऑब्वियसली कंपाइलेशन एरर होगा क्योंकि हमने नीचे एक एग्जांपल लिखा था, उसको हमने कमेंट लाइन में नहीं किया। नाउ यू कैन सी कि कंपाइलेशन कंप्लीट हो गया है, इसको सबमिट करके देखते हैं। सो आप देख सकते हैं कि 225 टेस्ट केसेस थे और सारे के सारे टेस्ट केसेस हमारे कंप्लीट हो गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वी विल कम अगेन विद द न्यू कॉन्सेप्ट।